press the bell icon for all the updates. How did you enter the bus? Tell them that. मैं चढ़ के आया. नहीं नहीं, उससे पहले क्या कर रहा था? उससे पहले मैं दरवाजा खोला. भगवानी माता की कसम, सच बता. मैं तो उसमें फिटिंग होता. क्या कर रहा था ये जब से? Can we get Piyush Bhaji also? Piyush Bhaji. बहुत किया. This is wrong. Please get the next guest. No, I'm. I love this guy. A man who needs no introduction. Can we get another? And can we also get Diana up? Aye, Diana. Let me ask you questions together only. Diana is left. Diana is a little. Yes, she's there. No, no, she right here. Now, have you figured out? So Happy is here. So who has run away, Diana? I don't know. I'm very confused. मैं हूँ happy. तेरी बंदी क्यों भागती है हमेशा? भाई, I'm happy. She's happy. पाकिस्तान आती तो मुझे मालूम पड़ता. पाकिस्तान में कहीं भी, बिल्कुल बिल्कुल कहीं भी पाकिस्तान में परिंदा फुल टोर. फुल टोर, फुल टोर, फुल टोर बाकायदा. हाउ डस दिस हैपन? हाउ डस इट हैपन टू यू ऑल द टाइम? What musician almost? No. How is a musician almost musician in every movie? No. How does Happy run away all the time? Why does she? As in, यार मैं तब से बोल रहा हूँ, मतलब वो मैं फोन पे बात कर रहा था उससे. वो कहीं भागी है. ये क्या? ये अरे ये तो वो है. Happy है. तो अभी पता चला ना? उससे पहले तो नहीं पता था ना? भाई पंजाब में बहुत happy हैं. बहुत चोरी गार्डन में बहुत हैं. प्लीज हैप्पी प्रिंस बॉबी गोल्डी लगी आते सरदार बाहर आ जाते हैं. वहां के लोग टाइटल टाइटल रखेंगे तो क्या होगा? कहां का? नहीं प्लीज, वी डोंट, वी नॉट डूइंग दिस. तेरा जोक यार. वी नॉट डूइंग, वी हैव जस्ट विश शेड. प्लीज, यू आर नॉट इवन पार्ट ऑफ इट. बग्गा साहब की नफरत क्यों है मुझे बताया? नफरत के लायक ही वो इंसान. अरे वो ऊपर से लेकर नफरत का पुतला है साला वो. और क्या, बग्गा बग्गा आदमी है क्या? इंसान की गरीबी डालते उसको. मुझे ऐसे क्यों लगता है उसकी जिंदगी में एक ही काम है, शादी के कार्ड छपवाना. शादी के कार्ड नहीं, हैप्पी के शादी के कार्ड छपवाना. शादी करनी है उसे. हाँ, हैप्पी से 50 बार शादी करनी है उसको. इस बार भी इस बार जो है आपके वो हैप्पी के पीछे पड़ गया. हैप्पी 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 पिछली बार साथ था. पिछली बार पीछे कैसे छुड़ाया था उन्होंने पिछली बार? ऐसा क्या किया था उसको? कार्ड छापने को बोल दो बस. वो अभी जूम है या कहीं होगा, कार्ड ही बांट रहे हैं. या बट रहे हैं उसके. He just add, he, अब क्या है उसका फिल इन द ब्लैंक रहता है. अच्छा, बग्गा का जैसे वाला ना कोई भी. अब तो बिकॉज वो पार्ट वन पार्ट टू पार्ट थ्री वो चलता ही रहेगा, नाम बदलता रहेगा. पार्ट थ्री में कैसे क्या नाम हो सकता है वो? नहीं, उसके लिए वो एक व्हाइट टी शर्ट वाले को बुलाना पड़ेगा. व्हाइट टी शर्ट वाला मुदस्सर? नहीं. अच्छा, ये अलीगढ़ सर रोन मिलना नहीं वाला, इसके बारे में बता रहा हूँ. तेरे सारे जोक्स फीके कर रहा हूँ ना. बहुत ही गंदा है ये आदमी. सॉरी. यू हैज एनी क्वेश्चंस फॉर दीस गाइस? नहीं, नई कास्ट आ चुकी है. हमारे लिए कुछ नहीं रह गया. हाँ. फोन उठा लो पहले से वाला. ये एम्बुलेंस की सायरन वाले जो ड्रिंक टोन्स लगा रखे तुम लोगों ने. एनी क्वेश्चंस फॉर दीस गाइस? Wow, you justifying your salary. This is awesome. I just want them to justify the salary for once at least. No. But are you trying to rub it in? अच्छी चली थी भाई पहला पार्ट. हाँ, क्यों मुझे मिल गई थी happy? How do you feel कि अच्छा जब पहला पार्ट बहुत अच्छा चला रहा है? आप बस हो गया ना तो. क्यों चला था ये बताएं? दूसरा आने दो ना. पीयूष पाजी. हाँ बोलो. उस्मान भाई बताएंगे. पहला पार्ट बहुत अच्छा चला था. बहुत अच्छा, बिल्कुल. ये भी चलेगा, इसका अगला भी चलेगा. चलता जाएगा ये तो. बाकायदा लंबी चेन है ये, कभी रुकने वाली नहीं. हैप्पी भागती रहेगी, भागती रहेगी, भागती रहे. तुम दिल्ली में क्या बोल रहे? दिल्ली भागती है फिर तुम्हारा क्या? सर दिल्ली में भागती है. दिल्ली में भागते हैं. बोलो तो तुम क्या? सो दिल्ली में उठा नाम दिया था ना अभी. जैसे हैप्पी फिर उठा ली. हाँ, हैप्पी क्यों उठा ली? ये दिल्ली में होता सर. दिल्ली से आप बेइज्जती कर रहे दिल्ली की. हाँ हाँ हाँ, वो यही होता है ना. गलत है सर. गुड़गांव. एनीबडी फ्रॉम दिल्ली? यार ऐसी आवाजें यहीं से निकलती हैं. दोपहर को पी के बैठे होंगे राइट देयर ना. यू फ्रॉम दिल्ली? नो. Where in Delhi are you from? Where in Delhi? You're from Faridabad. Baba, to Delhi. Faridabad is passport for Delhi. आने के लिए. Faridabad Facebook है क्या? बिजली, पानी, धूप आती है वहाँ. This is nice. I like this. How Faridabad से Bombay आई है. तुम्हें Bombay बहुत अच्छा लग रहा होगा. I know. Like I live in Bombay now. Bombay. Where in Bombay do you stay? Hotel. Where in Bombay do you stay? ये अंधेरी में रहते हैं सारे छिछोरे. मेरे घर में जो बड़ा ड्राइंग रूम है उसको अंधेरी कहते हैं बॉम्बे में.
anyhow, long, long story. Can we have the producers up on the stage, please? You look pretty as always. Thank you so much. She looks pretty, right? Yeah. I like the women like, oh. Yeah. Oh, that is jealousy. That's just jealousy getting in. He looks very pretty, right? Sir, first part was extremely successful. Was it something that you expected out of this? The first one? नहीं यार मेरे मेरे लिए नहीं मेरे लिए जितनी खुशी वो लाया था फर्स्ट पार्ट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ उससे डबल खुशी ये लाएगा अब इसको बॉक्स ऑफिस में आप देख लो सो व्हाट पुशेस फॉर माय प्रोड्यूसर स्टैंडर्ड व्हाट पुशेस कि आपको फर्स्ट से सेकंड पार्ट बनाना है व्हाट पुशेस दैट फॉर मी इट्स द क्रिएटर द मेकर जैसे मुदस्सर जो जो कहानी लेके आया एंड माय टीम आई एम मतलब हम लोग ये बनाते हुए बहुत वी वर रियली हैप्पी व्हाइल मेकिंग वन एंड वी आर डबल हैप्पी व्हाइल मेकिंग टू सो दैट्स द क्रक्स ऑफ इट द फर्स्ट वन रैन टू पाकिस्तान या फॉर ऑब्वियस रीजंस बिकॉज़ गुड्डू डजंट कीप हर हैप्पी इट इज ट्रू क्या मैं कमबैक दूं नहीं इट इज पंच लाइन पंच बैक नाउ सेकंड वन वेयर इज शी गोइंग नाउ बिकॉज़ ऑब्वियसली दिस इज एक 5 मिनट रुकेंगे तो पता चल जाएगा Are you guys ready to wait for 5 minutes? Yeah. I like this is only one woman who's drunk enough to answer this. Like just she's the only one who's answering for Faridabad. I love you. I like these are just picking on you for no reason now. For you as a producer, for you ma'am, when you look at a movie, what is the key essential key? This is it. Like this is what clicks. Because for me, you know, at what point do you realize after reading a script or a story, this is what we want to have? Of course, the content should be very good, and when you start enjoying the content and you feel happy listening to it, so I feel okay if you know we should do it. And it's basically how beautifully is written the dialogue and you make it makes you feel real and you feel that you're in that world then I think that's what I feel and I should produce the film and what expectations from both of you from the creative side how much of when you look at a movie being made how much of you oversee at any point ki say ye nahi ye theek hai I'm happy the way it is going इट्स प्योरली अ टीम वर्क मतलब जितनी मेरी ज़रूरत पड़ती है उतना मैं आ जाता हूँ अदरवाइज आई थिंक लाइक इन दिस केस आई कैन रियली टेल दैट इट्स बीन अ वेरी स्मूथ जर्नी एंड क्योंकि हम वन बना चुके थे हम एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से जानते थे सब लोग एज अ टीम सो लाइफ इस बार थोड़ी ज़्यादा आसान थी हमारे लिए एंड इफ यू टॉक अबाउट द क्रिएटिव देर आर इनपुट्स कमिंग फ्रॉम एवरीवेयर दैट्स हाउ आई फील दैट फिल्म इज मेड एज अ टीम वर्क क्वेश्चन टू बोथ ऑफ यू लास्ट वन ओनली When you were looking at making the first one, were you ever in a thought process that this can lead to a sequel, or was this good enough to that reach that, or the height it reached and the money it made, or the success it carried that would lead to a second one? I think the success it carried and the way the audience reaction and overall everybody had enjoyed the film. And keeping everyone, the star cast, and in mind, and getting another sequel done and with the double Dhamaal, so I think that was perfect to come back as Happy Phir Bhaag Jayegi. I was like very sure about working with this team again. So, okay. With these actors and the director. Ab wo sequel mein convert ho gaya, it's a plus thing. Otherwise, the film would have been there with these actors again. And that is how the experience was the first one. That is exactly yes, what I do. Yes. All right, sir. I'll leave it to it. And let us know where she runs now. Let us know where she runs now. Because I think everyone needs to know. ये कुछ वहाँ से guesses आ रहे हैं. मैंने 5 minutes ही मांगे थे. हाँ कि वो China का poster है. वो chopsticks है. All right. Here we go. This is a happy coincidence. This is happy coincidence. हम जानकर नहीं आए हैं. Yellow panda है. जी. Color yellow. Color yellow. Yes. One question before I invite everybody else. Yeah. Happy Phir. Why? Why not? What do you mean why? Yeah. Because the script was amazing. The script was amazing. I really wanted to work with Anand sir and Mudassar and this wonderful team that Correct. They've put together. And I had no reason to say no.
मुश्किल था वापस लाना इसे? मैं क्या बोलूं अभी, मैंने तो सोचा नहीं था कभी कि मैं मिलूंगा सोनाक्षी सिन्हा को। तो मेरे लिए जब मुझे पहले बताया गया कि मेरे साथ सोनाक्षी सिन्हा है, तो ना निकलना मुमकिन ही नहीं था मुझसे। तो पहली चीज ये थी, और दूसरी मुदस्सर सर ने जब मुझे बताया कि ये हम सोच रहे हैं ये करेक्टर है, तो हैप्पी, मुझे लगा नहीं कोई रीज़न कि मैं ना करूं। और मेरी पहली फिल्म थी, और पहली में इतनी अच्छी प्रोडक्शन हाउस, इतनी अच्छी टीम सारी, और सोनाक्षी सिन्हा, जिमी पाजी, पीयूष मिश्रा जी, सारे इतने अच्छे। Yes. Dialogues? Lyrics. Yes. Lyrics. Lyrics? Yes. Yeah. कितने पैसे बचाए हमने इस वाले में? नहीं, बहुत तब मज़े। How many people did we not pay? No, he was his own AD also on set. हाँ, इसका AD है ना, काट ले तू अपनी। बिल्कुल छोरा। Can we get also the cutest guy I ever met and the most saintest people of the all? अपार शक्ति खुराना। First of all, इनको हक करके बहुत मजा आता है। पाजी कैसे? काफी सारी चीजें हक करता है आदमी। मैं जो आपने बोला ना कि ये भी थे, सॉन्ग्स भी, लिरिक्स भी, और उसे एडी भी ऐसे बोला, तो मेरे पीछे एक जोक आ रहा था ऐसे, मगर एडी चोटी का जोर लगाया उन्होंने हर तरह से। जो सारा जिम्मा है वो इस फिल्म में बुरे जोक्स का भी पर्सनल लाइफ है। Why would I say? अरे he's so cute. मुझे पता था ये ऐसी कोई random चीज निकलेगा। Okay, so first time. एक बात बताइए, आप लोगों ने पहले भी किया है या पहली बार कर रहे हैं? ये पहली है ना? ऐसे लगे पहली बार। Free में काफी बार। दोनों दिल्ली वाले से क्या करें? Okay, so जब मैंने पहली happy देखी, Friday को ही देखी, और first Friday को ही मैंने मैसेज किया सर को कि I really liked your film. मैंने जिमी पाजी से नंबर लिया and I was like, whenever you're doing your next, please let me know. And मुझे पता नहीं था कि वो प्लीज जेन्युइनली प्लीज हो जाएगा। थैंक यू सो मच सर, आई हैड अ ग्रेट टाइम। एंड सिंस देन यू हैव चेंज्ड द फोन नंबर, राइट? ना जैसे मैं ऐसे कुछ ऐसा है कुछ नहीं, अभी नहीं मिल रहा है, क्या हो रहा है? कैन वी आल्सो हैव द, आई नो, आई वाज लाइक, आई लाइक कॉल एवरीबॉडी, कैन एवरीबॉडी कम अप, डू वी हैव एनफ माइक्स? एंड एक्चुअली ऑनेस्टली जस्ट आई टेक अ सेकंड, मेरे बड़े भाई हैं, उनका यहाँ पे होना बहुत जरूरी था एक्चुअली, जिमी सर का, बहुत ही अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसिस में वो नहीं आ पाए। यू कैन सी हिज कॉन्ट्रीब्यूशन एंड वॉट ही मीन्स टू दिस फिल्म, वॉट ही मीन्स टू ऑल ऑफ अस एक्चुअली हियर। सो या, ऑन बिहाफ ऑफ हिम ऑल्सो, थैंक यू एवरीबडी फॉर टर्निंग अप। थैंक यू गाइस। क्वेश्चंस? क्वेश्चंस? हाँ सिमरन, तू ही पूछ रहा खाली। आनंद सर, आपसे सवाल है। फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशन टू योर टीम, बहुत ही बढ़िया ट्रेलर रहा है। दिस इज सिमरन सिंह फ्रॉम बुक माय शो। मेरा सवाल आपसे आनंद सर कि जिमी सर के साथ इस फिल्म में इंसाफ होगा कि नहीं? मतलब तनु वर्स मनु से हम देखते आए, कभी लड़की मिली नहीं, एंड टाइम पे हमेशा छोड़ के गई, हैप्पी भाग जाएगी मैं वैसे, तो इस बार कुछ उम्मीद है इंसाफ मिलने की? यार जब उनको नहीं मिल रही है ना, वो ज्यादा स्कोर कर रहे हैं, तो मुझे लग रहा है करने दो ना। कई बार ये भी चीज अगेंस्ट जाती है, एक क्यूट आदमी ऐसा रह जाए थोड़े टाइम तक, अच्छा लगता है। थैंक यू सर, मुझे लगा नहीं आप मेरे बारे में ऐसा कुछ बोलोगे। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, एनीबॉडी? या, कैन यू गेट द माइक देयर? या सर, माय क्वेश्चन वाज, व्हाट वाज द एटमॉस्फेयर ऑन द सेट? जब यहाँ पर जो एटमॉस्फेयर था, वहाँ का शूटिंग टाइम कैसे रहा? कि सवाल है किसके लिए सर? सबके लिए, सबके लिए काफी लंबा आंसर होगा ये। मतलब सर आप दे दीजिए सर। आपने देखा ही होगा, वी एक्चुअली आर, वी लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग वन अनदर, ऑल ऑफ अस। तो सेट पे भी ऐसा ही कुछ माहौल होता था, हमने कभी ये सोचा ही नहीं कि हम कोई बहुत सीरियस काम कर रहे हैं सब इकट्ठा होकर के। एक हंसी मजाक वाली फिल्म है, उसको उसी स्पिरिट में, और हम दोस्त बहुत अच्छे हैं एक्चुअली सारे,
तो उस वजह से वो एक सर्टन एनर्जी आपको नजर आई होगी. वी रियली लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग एंड सीइंग वन अनदर. सो दैट वाज द एटमॉस्फेयर प्रीटी मच ऑन द सेट. आई होप आई एम नॉट स्पीकिंग टू सून. वाज दैट द एटमॉस्फेयर ऑन द सेट? एब्सोल्युटली. आई थिंक ट्रेलर से आपको अंदाजा मिल ही गया होगा कि कितना मजा आया हमें ये फिल्म बनाते हुए. एंड ऑनेस्टली एवरीबॉडी जस्ट गॉट अलोंग सो वेल विद ईच अदर. इट वाज वी हैड सम tough locations to shoot at, tough weather to face, you know, during the shoot. But together as a team, we just stood strong with each other and we had a wonderful time. Agar pehli film ki director the hai mera sawal. Ji, idhar. Ji. Agar pehli film ko dekha jaye, to wo film shuruaat mein to achhi thi hi, lekin mouth publicity se kaafi aage gayi kyunki uski kahani bahut achhi thi. Aur bahut choti choti pyari pyari चीजों को उसमें डाला गया था. तो इस फिल्म में वो मासूमियत और वो कहानी के लेवल पे देखिए, किसी भी राइटर की और डायरेक्टर की कोशिश ये होती है, खास तौर से उस पे जब ये वाली जिम्मेदारी आती है कि अपनी ही फिल्म का वो दूसरा भाग बनाए, तो ये जिम्मेदारी आती है उस पे कि जो इनोसेंस, जो ऑनेस्टी ऑडियंस तक किसी लेवल पे पहुंची थी वो उसको बरकरार रखे. हम जब मैं राय साहब के पास इस फिल्म की कहानी को लेकर के गया था, तो हमने सिर्फ और सिर्फ उसी के बारे में सोचा था कि कोई एक चीज़ है जो जो ऑडियंस को उस फिल्म से जोड़े रखती है और जोड़े रखती आई है, और वो चीज़ हमको इस फिल्म में नहीं खोना है. तो हमारा अटेम्प्ट कभी ये नहीं था कि ओ हम सीक्वल बना रहे हैं, आओ कुछ बड़ा बनाते हैं, आओ इसको कुछ यू नो लेट्स मेक दिस मोर एक्सपेंसिव बिगर, लेट्स कन्वर्ट इट इनटू अ फ्रेंचाइज. वो नहीं था एक्चुअली. हमको ये लगा अरे ये बात छू गई है किसी को, तो ये बात क्यों ना और कॉन्फिडेंस के साथ क्यों ना दोबाला करके ऑडियंस तक पहुंचाई जाए. तो यही एक effort. मैं उसमें ऐड करना चाहता हूं, अक्सर ना उधर सर सर 10/10 होते हैं और उस पर 10/6 करके उसको देते हैं बात को. जो आप जिस इनोसेंस की चीज़ों की बात कर रहे हो, ही हिमसेल्फ इज़ अ वेरी ऑर्गेनिक एंड अ वेरी नेचुरल एंड काफ़ी यू नो इमोशनल बंदे हो खुद. वो उनकी राइटिंग में, डायलॉग्स में, गानों में हमेशा आपको नजर आएगा. सर आपसे ये सवाल था कि ये वाली हैप्पी फिर भाग जाएगी, पहले वाली हैप्पी से कितनी अलग, और अलग तो है ही लेकिन कितनी बेहतर है या उससे भी बेहतर है, कैसी? नहीं देखिए, मेरी नज़र में तो ऐसा है कि दो हैप्पियों के बीच में चुनना, कभी कभी इस मर्द को इस दुविधा में मत डालिएगा कि उसमें उससे ये पूछा जाए कि दो लड़कियों में से उसको एक चुनना. नेवर पुट अ मैन इन दैट स्पॉट. बट यू नो आई हैव रिटन बोथ, टू मी बोथ दी स्टोरीज आर माई बेबीज. आई कैन नॉट पिक बिटवीन द टू ऑफ देम. बट एक बात मैं आपको ज़रूर कहना चाहूँगा कि एक किसी मॉडल का ध्यान ना रखते हुए, किसी एक खाके का, एक ढांचे का ध्यान ना रखते हुए, आप ये बात पकड़ लेंगे इमीडिएटली कि ये हैप्पी और ये हैप्पी एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ हैं. यू नो दे आर वेरी डिफरेंट गर्ल्स. दे रिप्रेजेंट द सेम इमोशन विच इज़ हैप्पीनेस. आई यू नो व्हेन आई पिक द टाइटल ऑफ दिस फिल्म, आई ऑलवेज एंड आई एट डिफरेंट टाइम्स सेड इट टू मेंबर्स ऑफ माई कास्ट, आई ऑलवेज बिलीव हैप्पीनेस इज वन इमोशन इन योर लाइफ. इफ यू डोंट चेरिश इट, डोंट लुक आफ्टर इट, डोंट प्रोटेक्ट इट, वो भाग जाएगा. You know, that for me has always been what the title stands for. So they are, for me, both these girls are two remarkable representations of happiness. शुनाक्षी और डायना, आप दोनों से ये सवाल है, जैसे कि आप इस फिल्म में दोनों ही हैप्पी हैं, असल जिंदगी में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं, ऐसी कौन सी बातें हैं जो आपको हमेशा हैप्पी रखती हैं? मेरा काम मुझे बहुत हैप्पी रखता है. आई थिंक आई लिव फॉर माय वर्क एंड व्हाट आई डू. इट ब्रिंग्स मी इमेंस जॉय, बहुत मज़ा आता है, एंड इसलिए आई डोंट ट्रीट इट लाइक वर्क. आई ट्रीट इट लाइक समथिंग दैट आई एम जस्ट सो पैशनेट अबाउट, एंड दैट ब्रिंग्स मी अ लॉट ऑफ जॉय. काम के अलावा, अगर काम के अलावा मेरी फैमिली, मेरे फ्रेंड्स, खाना, यू नो बेसिक थिंग्स, द स्मॉल जॉयज इन लाइफ. आनंद सर आपसे सवाल है आपके स्ट्रेट डायना, आपके आई थिंक यू ऑल ऑलरेडी नो दैट गुड फूड मेक्स मी सो हैप्पी, एंड आई थिंक आनंद ऑल्सो नोज दिस बिकॉज आई डोंट नो व्हाई इट डजंट शो. आई लव वर्किंग विद कलर येलो बिकॉज देर आर फाइव, बिकॉज सम गर्ल्स हैव ऑल द लक. Two lunches, two dinners, then one in between tea time snack, everything. Wow, there is like, a special list. Bas karo yaar, bas, bas, bas. This is embarrassing now. Sab ladkiyan jealous ho rahi hai yahan par. Mera khoon jal raha hai yahan par, meri aatma jal rahi hai andar se. Anand sir, aapse sawal hai, aapke straight mein sir. आपके राइट में, स्ट्रेट में जी, आपसे सवाल है कि चाइना को ही क्यों चीन को चुना है, क्योंकि
पिछले बार पाकिस्तान था और इस बार चीन है, और जो रिलेशनशिप रहे हैं इंडिया पाकिस्तान सॉरी चीन के, हैप्पी भी रहे हैं, मिले जुले हमेशा टाइम टू टाइम होते रहे, तो कोई खास कारण है? और कहीं ना कहीं से व्यंग्यात्मक तरीके से क्या हम वो भी देखेंगे इसमें फिल्म में? कहीं बारे में बेहतर मुदस्सर बताएगा, बट उससे पहले मैं ये बता देता हूँ कि कहीं ना कहीं एंड ऑफ द डे हम लोग फिल्में बनाते हैं, हमारा कुछ हम इसके बियॉन्ड कुछ नहीं कर सकते, पर ये हमारे पास एक मीडियम है जिसके ज़रिए हम कुछ दो चार बातें बोल देते हैं, उसका कितना असर होता है वो नहीं पता, मेन हमारा मकसद होता है आप लोगों का एंटरटेनमेंट, ऑडियंस का एंटरटेनमेंट। बट अगर हैप्पीनेस इन जगहों पर जुड़ जाए तो कोई बुरी बात नहीं है, अगर हमसे इतना भी हो जाए कि कहीं ना कहीं इसको हम उस चीज़ से कनेक्ट कर दें, एक हैप्पीनेस से कनेक्ट कर दें, चाहे आप पाकिस्तान की बात करें या चाइना की बात करें, सॉल्व हम में से कोई नहीं कर पाएगा, बट हम अपने मीडियम की तरफ से एक 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 खुशी, एक एक एंटरटेनमेंट, एक एक कॉर्डियल चीज़ आप बोल लीजिए अगर हम दे पाएँ, उससे बेहतर कुछ नहीं। कृषिका जी, मेरा सवाल आप, एक्चुअली एक मैं ना आपके ना आपके सवाल में आपका जवाब था बहुत खूबसूरत। दरअसल क्या है, हास्य व्यंग जो होता है, यू नो ह्यूमर थ्रू सार्केज्म और थ्रू सैटायर, वी शुड ऑल डेवलप एन एपेटाइट फॉर इट। एंड क्योंकि रिश्ते नरम गरम रहते हैं इन मुल्कों के साथ, मुझे लगता है कि इसलिए और उस पर हंसने की ज़रूरत है, ताकि यही एक तरीका है रिश्ते सुधारने का। मैंने वन के वक्त पे ना एक बड़ी, किसी ने प्रेस के ही साथी ने मुझसे एक सवाल पूछा था, मैंने उनको बोला था कि उन्होंने कहा था पड़ोसी को क्यों पिक किया आपने, मैंने कहा ऐसा है कि आप अगर एक घर में रहते हैं, अगर पड़ोसी बालकनी में कच्छे भी सुखाता है तो पड़ोसी पड़ोसी होता है, यू नो। तो वो जो एक एक फ्रेनमीज वाले जोन में ख़ास तौर से ये दो मुल्क हैं, ऑल द मोर रीज़न दैट वी शुड हैव फिल्म्स दैट स्पीक अबाउट देयर कल्चर वर्सेस आवर कल्चर, a certain border tension that keeps propping up with both these countries. So yeah, actually that's a very good question. Sorry, I interrupted somebody. Yes, shoot. Krishika ji, mera sawal aapse hai. Industry mein jis tarah ka chalan hai, uske viruddh jaakar aap woman oriented filmon ko itna promote kyun karti hain, aur itne saalon se kya aap confident rehti hain ki wo acha kar payengi, chahe wo Nil Bata Sannata ho ya badi woman oriented film ho Kangna wali? ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने सिर्फ वुमेन ओरिएंटेड फिल्म प्रोड्यूस किया है, क्योंकि मैंने स्टार्ट किया था अनजान अनजानी और देसी बॉयज़ से, तो इट इज़ ऑल मेल्स ओनली इन दैट। सो ऐसे कुछ नहीं है, इट डिपेंड्स ऑन द कंटेंट विच आई रियली एन्जॉय। एंड यस, वुमेन ओरिएंटेड सब्जेक्ट एक्चुअली वुमेन कैन कनेक्ट इवन मोर, सो आई एन्जॉय दोज मोमेंट्स टू। थैंक यू। हाय आनंद, दिस इज प्रियंका towards your left. Hi, this is Priyanka from Indian Express. And we saw the song from Zero and everyone's talking about that, but as a director, how was it for you to shoot you know, two superstars, and how was it to be on the sets with them? I was very happy there. I was really happy. But does it get difficult to shoot two superstars and, you know, to have them in one frame? नहीं, मुझे नहीं लगता ऐसा, मतलब आई बीन वेरी फॉर्चुनेट इन दैट वे। ये एज अ डायरेक्टर नहीं जवाब दे रहा हूँ, एज अ पर्सन, एज अ ह्यूमन बीइंग बोल रहा हूँ। इफ़ यू मीट समबडी और आपको उनके बीच में, या आप उनसे बात करते हो, अगर वो इंसान आपको समझ में आ जाता है, फिर वो स्टार नहीं रहता, वो एक ऐसा रिश्ता बोल दूंगा या एक ऐसा माहौल बोल दूंगा कि वो दोनों इतने बड़े हैं कि उन्होंने मुझे कभी ये महसूस ही नहीं होने दिया कि वो सुपरस्टार हैं, तो ये उनकी उनका बड़प्पन है। हाय जेसी, गायत्री हियर फ्रॉम मिडडे ऑनलाइन। सो सिंस दिस योर डेब्यू फिल्म, सो हाउ वाज इट शूटिंग विद एवरीवन? एंड आई आल्सो हर्ड दैट यू वुड सिंग सॉन्ग्स टू इंप्रेस सोनाक्षी ऑन द सेट्स, सो प्लीज टेल अस अबाउट दैट। हां, बहुत अच्छा था, क्योंकि मेरी पहली फिल्म थी तो मैं थोड़ा डरा हुआ था पहले, के क्योंकि मैंने इतने बड़े सुपरस्टार्स के साथ काम करना था, पर जब मैं सेट पे गया तो मुझे पता ही नहीं चला कि कैसे सारे दिन निकल गए, स्पेशली क्योंकि सोना ऑलरेडी पंजाबी गाने सुनते हैं पहले से। सो उस टाइम मेरा एक गाना आया था, तो मैंने सोनाक्षी को सुनाया, तो उन्होंने, इनको अच्छा लगा, तो उन्होंने प्रमोट भी किया बड़े अच्छे से। सो उस टाइम मुझे पता चला कि यार ये तो पंजाबी लड़की है पूरी, क्योंकि इनकी प्लेलिस्ट में मैंने बाद में गाने देखे, सारे ऑलमोस्ट पंजाबी गाने ही थे।
सो बड़ा मजा आया. ओनली लिसन टू पंजाबी सॉन्ग्स. सो बहुत अपनापन फील हुआ वहाँ पे. मतलब मुझे कुछ ऐसा नहीं लगा कि मैं पंजाब से आया हूँ यहाँ पे और ये लोग सब पहली बार मेरे साथ काम करेंगे. स्पेशली मुदस्सर सर ने मुझे बहुत सपोर्ट किया इस चीज़ में. सब लोगों ने मतलब मुझे बहुत अच्छा फील हुआ. ऐसा लगा ही नहीं कि मेरी पहली फिल्म आई. सोनाक्षी और डायना आपसे एक सवाल है, दोनों हैप्पी से एक सवाल है. सिंस द मूवी इज बेस्ड ऑन एन एस्केप जहाँ पे मतलब हैप्पी भाग रही है, अपनी लाइफ में रियल लाइफ में कोई ऐसा कोई एस्केप रहा है जो हिलेरियस रहा हो और जो यादगार रहा हो? Sonakshi has too many of those now. She's picking one. कौन सा वाला बोलूं? ये समझ नहीं आ रहा. बट हुए हैं ट्यूशन टीचर से एस्केप, कभी कभी स्कूल से एस्केप, कॉलेज से, कभी कभी घर से एस्केप, कभी कभी अपराजी से एस्केप. बहुत हुए हैं. I have not really escaped so many things because I just don't have the knack for escaping, except in Happy, I think. But yeah, like in college, a little bit here and there, I used to bunk class because it was very boring. It was 8 in the morning, so I used to rather sleep. Ali and Jassi, hi, आपके ठीक सामने, यहाँ. Hi, दो happy हैं स्टेज पे. अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ, वो आप happy नहीं हो? मैं भी happy हूँ. हाँ? नहीं, मैं तो हूँ ही. आप भी हो ना happy? हाँ जी, बिल्कुल. Life में happy हो ना? बिल्कुल. हाँ तो बस. मैं film की बात कर रहा हूँ. अगर ये दो हैप्पी के साथ, अगर किसी एक हैप्पी के साथ में भागना हो तो किसके साथ भागना पसंद करेंगे आप? अपनी अपनी के साथ भागेंगे. एक दूसरे की लेके क्यों भागेंगे? आपने तो 3 का प्लॉट दे दिया मुझे. लवली. एक दूसरे की लेके भगा दूं 3 में? बहुत ही कलेशी आदमी यार तू. हाँ आज आप हैप्पी को ढूंढने भी गए थे तो आप हमें बताइए कि कहाँ कहाँ सर्च किया और कहीं मिली कि नहीं मिली आपको? भाई हर जगह हो गया वो, बस हर जगह गई है बॉम्बे में. मेरी तरफ मत देख प्लीज. नहीं तू स्टीयर कर रहा था. नहीं मैं पूरा बॉम्बे आज सैर कर ली है. हैप्पी साथ ही में थी मेरे तो मेरी मेरी मुझे ज़्यादा दुख नहीं हो रहा था. इन लोग का थोड़ा इशू था, वो अभी सॉल्व हो गया है. मतलब हो जाएगा सून. 3 मिनट का भी ट्रेलर है. मतलब ये है कि हैप्पी अभी इधर भागी है. पार्ट 1 में भागी थी, पकड़ में आ गई, शादी हो गई, सब हो गया. इधर क्या होगा पता नहीं है. अभी चाइना तक गए, वीजा लगा है बॉस. उधर भी लगा था वैसे. हाँ तो ये ऐसा है कुछ. मुदस्सर जी बोल भाई, गा दे तू, गाना गा दे. मैंने गा दिया. जस्सी इज टू सिंग अ लॉट ऑफ सॉन्ग्स विद जिमी बाजी बिकॉज़ ही इज अ बिग फैन ऑफ जिमी बाजी. जिमी बाजी की मूवी के सारे गाने जस्सी को याद है और जैसे उनके लिए बहुत सारे गाने गाता था. याद है हम गाड़ियों बैठे जब बैठे थे. यार ऐसे मत करो. अभी जिमी बाजी खुद पंजाबी हैं, वो exactly. खुद पंजाबी गाने गाते हैं, खुद भी सुनते हैं. बट यू आर अ बिग जिमी बाजी. जब मैं कॉलेज में था उस टाइम का एक फिल्म आई थी यारा ना बहार, जो पंजाबी मतलब उस टाइम सबसे बड़ी फिल्म थी वो. हाँ. तो हमने बड़ी देखी. उनके पास करिश्मा बाइक था जो वैसे हर... सर कोई बात अच्छी नहीं लगेगी अगर आप बोलो. आप कॉलेज नहीं चक्कर. मैंने कॉलेज इसलिए बोला. जस्सी भाई को पता है कि जी भाई यहाँ है नहीं तो सुना तो यहाँ हो तो सुना नहीं पाते. ये जिमी सर के सामने नहीं बोल पाते. नहीं पर लोगों को सबको पता है वो देखने में अभी भी कितने यंग है. मतलब कोई उसमें नहीं है. पकड़ा पकड़ा. तो वो बाइक थी उनके पास. तो जब मैं तो मेरा ये ड्रीम था कि मेरे पास भी ऐसी बाइक हो. तो तब से देखते आ रहे हैं. जब उनके साथ होते थे तो उनके पुराने वो टाइम की वो फिल्म की बातें गाने सब ऐसे ही गाते रहते थे. तो चलता रहता वैसे तो. मुदस्सर जी सेंटर में जी. जब आप 1 बना रहे थे तब कुछ माइंड में था कि 2 लाएंगे? क्योंकि तभी 3 की बात बार बार हो रही है तो ऐसा लग रहा है कि 3 कहीं ना कहीं आपके माइंड में है कि 2 हिट हो जाएगी तभी 3 भी लेकर आएंगे. बाल सफेद हो जाएंगे सारे. नहीं टू आंसर योर क्वेश्चन, जब मैं 1 लिख रहा था या बना रहा था तो जैसा मैंने अभी किसी से कहा, हम एक बहुत छोटा प्रयास कर रहे थे. जब हमने 1 लिखी थी हमको अंदाज़ा नहीं था कि इतनी मोहब्बत इतना प्यार ऑडियंस से हमको मिलेगा. उस चीज़ ने हमको उसने हमको ऑलमोस्ट कंपेल किया कि हम उस ऑडियंस से दोबारा रابطہ कायम करें. तो 1 लिखते वक्त या बनाते वक्त मेरे दिमाग में कभी ये नहीं था कि मैं 2 करूँगा. इस वक्त ये बताना ज़रा सा मुश्किल है कि है या नहीं है या क्या है दिमाग में. मगर लेट्स लीव इट टू दैट. लेट्स आई मीन दिस इज़ द मोमेंट फॉर 2. सो
you know? ये ऐसा इधर थोड़ा चलन भी देखा जा रहा है कि फिल्म हिट हो जाती है एक तो उसका पार्ट टू आ जाता है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? अगर अगर क्या हैप्पी को उतना प्यार नहीं मिलता वन को तो टू आती? मेरा ख्याल है ये बहुत ना एक्चुअली फिल्म मेकर्स का एक बड़ा पर्सनल सा स्पेस होता है ये. जैसे राय साहब एक बहुत अच्छी बात बोलते हैं, वो हम कई बार ना एज फिल्म मेकर्स एक कहानी को अप्रोच करने की कोशिश करते हैं और बना लेने के बाद भी हमको ऐसा लगता है कि इसका कुछ हमारे अंदर रह गया है, तो वो दोबारा कहने का मन करता है. इट्स अ वेरी पर्सनल स्पेस. नाउ आई एम द लास्ट पर्सन टू बी एबल टू कमेंट ऑन व्हाई अदर पीपल मेक सीक्वल्स, बट फॉर मी दैट रीजन इज वेरी क्लियर. एक एक कहानी जब आपसे दोबारा आपसे बात करती है और कहीं ना कहीं आपको लगता है कि ये आपको दोबारा बोलना चाहिए, दैट शुड बी द ओनली वन एंड द प्राइमरी रीजन टू मेक अ सीक्वल. हाय सोनाक्षी, मेरा सोनाक्षी इधर. हेलो. मेरा प्रश्न आपसे ये है कि इस फिल्म में कौन से ऐसे सीन में आपको बहुत ज़्यादा अच्छा मज़ा आया? और आनंद जी से आपसे प्रश्न है कि इस बार आप चाइना ही क्यों गए? पहले आप. जी, मुझे ये पूरा फिल्म करते वक्त बहुत पूरी फिल्म करते वक्त बहुत मज़ा आया, क्योंकि हर सीन इतने इतनी खूबसूरती से लिखा गया है. कहीं ना कहीं उसमें ह्यूमर है, अगर ना चाहते हुए भी इस तरह का ह्यूमर है जहाँ पर आप मतलब अगर वो सिचुएशन भी ना हो तो कहीं ना कहीं आप उसमें ह्यूमर ढूंढ सकते हैं, विच इज़ द ब्यूटिफुल राइटिंग ऑफ मुदस्सर अज़ीज़. तो पूरा फिल्म ही बहुत ही मज़ेदार था. जस्सी, आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू. हाँ, इसका जवाब मेरे ख्याल से आ चुका था पहले, पर हाँ मैं दोबारा दे देता हूँ कि वन में वो पाकिस्तान थी, टू में ये चाइना है. हमारी कोशिश सिर्फ यही रह रही है इसमें कि जहाँ पे भी हमें थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट दिख रहा है उधर हैप्पीनेस फैला दें. पीयूष जी, आपके सामने आप कुछ आपके कैरेक्टर के बारे में बताइए, क्योंकि हम देखते हैं आप फिल्मों में बहुत इंजॉय करते हैं लेकिन ऐसे रियल लाइफ में बहुत शांत रहते हैं. नहीं नहीं, करता हूं. ऐसी बात नहीं. नहीं नहीं, मैं सब लोग बात कर रहे थे. कैसी इमेज, कैसी इमेज बनाई है? देखो रियल लाइफ में शांत, शांत इसलिए उनके पार्टनर इन क्राइम यहां पे नहीं ना. गलतफहमी कहां से आई आपको? ये कहां रियल लाइफ में शांत रहते हैं? कुछ कहां क्या बताऊं, किस तरह का किरदार होने वाला? अरे था, देखा नहीं आपने पिछले पिछले हैप्पी हैप्पी वन में वो जो था कैरेक्टर वही है, वो थोड़ा रबड़ कर दिया गया, उसको और खींच दिया गया. तो जो उस्मान अफरीदी था वही है. अब इसमें थोड़ा सा एक्सटेंशन है कि ही इज उस्मान अफरीदी आफ्टर द रिटायरमेंट, तो उसके बाद में है उसका, वो आगे चलता है, आगे चल के उस फिर हैप्पी से मिलता है, उसके बाद आप देखिएगा पिक्चर में क्या होता है. उस्मान इज जमान. जैसी एंड कृषिका जी, आपके सामने कुछ आप बताइए कि क्योंकि फर्स्ट पार्ट बहुत ही अच्छा था, आप प्रोड्यूसर हैं तो सेकंड पार्ट से भी उतने कलेक्शन की उम्मीद करती हैं, उतनी अच्छी उम्मीद करती हैं? ऑफ कोर्स, एज अ प्रोड्यूसर वही उम्मीद करती हूँ कि बॉक्स ऑफिस का रिजल्ट वैसा ही हो जैसे फर्स्ट का है, बिकॉज इस बार हम डबल धमाल लेके आए हैं. दोनों ब्यूटिफुल हैप्पी सोनाक्षी एंड डायना देयर इन द फिल्म, सो आई एम श्योर ट्रेलर देख के सबको अब मज़ा आया है. आई कुड सी द रिएक्शन, तो वही हम देखना चाहेंगे कि बॉक्स ऑफिस का कलेक्शन कैसे हो रहा है. क्वेश्चन फॉर यू फाइनली, हाउ इज इट डिफरेंट वर्किंग ऑन अ पंजाबी फिल्म एंड अ हिंदी फिल्म? सेट्स पे कितना डिफरेंस होता है? डिफरेंस तो है, बिकॉज पंजाबी इंडस्ट्री अभी थोड़ी नई है और वहाँ पे जिसे बोलते हैं बजट बहुत लिमिटेड होता है, और यहाँ का सब कुछ मैनेज होता है, सब कुछ मतलब मुझे यहाँ भी लिमिटेड ही होता है पर पंजाब का इससे भी लिमिटेड होता है. बोलने देना, बोलने देना. तो वहाँ पे अच्छा लग रहा है. अच्छा, कोई तारीफ कर रहा है, बोलने दे यार. सो अभी मेरी पहली फिल्म है जो अभी तक मैंने फील किया ये यही किया है, क्योंकि वो पंजाबी इंडस्ट्री थोड़ी नई है अभी, पर वहाँ पे भी अच्छी अच्छी फिल्में बन रही हैं और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में वहाँ पे भी और ज़्यादा ऐसे प्रोफेशनलिज्म आ जाएगा, क्योंकि थोड़ा बहुत अभी कम है वहाँ पे. मैंने अभी 4-5 फिल्में की हैं पंजाबी इससे पहले, तो मुझे यही डिफरेंस पता चला अभी तक, पर अभी धीरे धीरे आगे करूँगा नेक्स्ट फिल्म में, तो जो मुझे फील होगा मैं आपको बताता जाऊंगा. ऑल्सो भी हम लोगों ने आपको एकदम मस्त वाली चाइनीज मैंडेरियन बात करते हुए सुना है, थोड़ा सा कुछ डायलॉग याद है तो? निहाओ वो जनिंग जुशी खुशवान सिंगेर. ओके, आई नो समथिंग इन मैंडेरियन व्हिच आई वांट टू से फॉर यू. वो आई नी, डू यू नो व्हाट इट मींस? वो आई नहीं आई. It means I love you. मेरी थैंक यू, लव यू. आई थॉट शी इज टॉकिंग अबाउट जिनपाजी. वो आई नी.
ओके लास्ट क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन तू कहानी पूछिए तूने पूरी हाँ जी क्या करें है ना 35वां क्वेश्चन लास्ट कैसे हो सकता है वेट 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 डायना जी दो हैप्पी हैं इस फिल्म में तो कितनी बॉन्डिंग होगी कितना हैप्पीनेस होगा कितना वॉर होगा कुछ बताइए जरा कुछ अंदर डबल हैप्पीनेस तो क्या वॉर ही चाहिए ना हां बस वॉर ही चाहिए वन मोर थिंग टू ऑल apart from you two he's another one who is supporting Kala Yellow of course that's why I asked him no aap bhi happy hai nahi bahut bahut maza aaya hum dono ko in fact I was looking forward to working with Diana also kyunki maine jab pehli film dekhi mujhe bahut pasand aayi all of them Jimmy sir Piyush ji Mudassar Diana Ali मतलब फिल्म देखते ही मतलब दिल जो खुश हो जाता है ना वैसी वाली फिल्म थी एंड आई वाज श्योर कि ये फिल्म भी ऐसे ही बनेगी एंड ट्रूली वी जस्ट हैड अ वंडरफुल टाइम शूटिंग एंड आई कुडंट बी हैप्पियर दैट सोनाक्षी वाज द वन टू प्ले हैप्पी इन दिस फिल्म बिकॉज़ शी इज जस्ट रियली नाइस चिल्ड आउट एंड जस्ट स्वीट एंड फुल ऑफ हैप्पीनेस सो इट फिट परफेक्टली हां जी इसके लिए फिल्म देखने तुम जरूर जाओगे अब मैं नहीं बता रहा बड़ा अच्छा सवाल है वैसे आपका लेकिन है फिल्म में जवाब जवाब मत दे देना कभी तो भी नहीं कभी तो भी मेरे के बाहर जाना कभी तो है ऑलराइट गाइस थैंक यू सो मच